So students, can you hear me now? क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? So हम question number वापस आते हैं अपने question number 31 पर, ठीक है? So question number 31, a patient underwent an hip surgery. तो चेस्ट पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सो सेम अगेन विर्कोस्टेरॉइड याद कर ले, जिंदगी आसान है। पहले मैंने लेक्चर एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका आंसर क्या बनेगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 132, अ 50 ईयर ओल्ड वुमन प्रेजेंट्स विद रेजिस्टेंट कफ, स्मोकिंग, लेट्स हैव द चेस्ट पेन, डीप ब्रीथिंग एक्सेलरेटेड विद फीवर एंड लोकलाइज्ड, वट इज द मोस्ट सिंगल अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस, ठीक है? ये सवाल मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्मोकिंग है, चेस्ट पेन है, डीप एग्जैसरेट हो रहा है, फीवर। अच्छा, ये सवाल बोला नहीं है, मैं पहले तो आपको देखें, ये देखें आप, पेशेंट को आप कहते हैं फीवर है और क्रैकल्स हैं और चेस्ट पेन है, ठीक है? तो हमारे पास फीवर भी हो गया, चेस्ट पेन भी हो गई, ठीक है, और क्रैकल्स भी हो गए, ठीक है? सो स्मोकिंग हिस्ट्री भी हो गई, तो स्मोकिंग हिस्ट्री भी है, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट जो है, पेशेंट के लंग्स आर डैमेज, दैट आर प्रोन टू इंफेक्शन, ठीक है? आप सबको पता है कि जब पेशेंट जो है स्मोकिंग को लंग के लिए ठीक नहीं है, तो जब स्मोकिंग लंग के लिए ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि लंग डैमेज हो, जो ऑलरेडी डैमेज हो, उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? इन्फेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेशेंट को फीवर हो गया, चेस्ट पेन हो गया और क्रैकल्स हो गए, तो इसके एक ही आंसर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारे पास? निमोनिया। अगर पीटिंग अगेन, स्मोकिंग की वजह से पेशेंट का लंग डैमेज हो गए हैं, लंग डैमेज हुए हैं तो पेशेंट की जो इन्फेक्शन से रिस्क बढ़ गया है, रिस्क बढ़ गया, तो पेशेंट क्या हुआ है? फीवर के साथ आया, चेस्ट पेन और क्रैकल्स के साथ आया, तो एक ही चीज है इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा इसका आंसर? निमोनिया, ठीक है? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 133। सो सेम है डिसऑर्डर, देखना हमने पीएच क्या इसकी लकम, तो क्या हुआ? एसिडोसिस, ठीक है? एसिडोसिस, ठीक है? और उसकी पीसीओ टू क्या हुई है? ज्यादा, ठीक है? पीसीओ टू नॉर्मल मार्पत होती है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है? 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसमें एक चीज मिसिंग है, वो आप लिख लें, हमारे पास लिख रहे हैं कि इसके जो बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं हमारे पास हैं, वो आप लिख रहे हैं हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस हमारे पास स्मोकेशन के हैं 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये मिसिंग है, या आप इसमें लिख लें बायोकार्बोनेट आयंस को, ठीक है? तो एसिडोसिस, नेक्स्ट चेक कर बायोकार्बोनेट, दे आर इंक्रीज, पीएच डिक्रीज, बायोकार्बोनेट इंक्रीज, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इट मस्ट बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, दैट इज कंफर्म्ड जब हमने पीसीओ2 देखी तो उसका 56 था, जबकि नॉन पीसीओ2 जो है वो 40 होती है, सो आंसर विल बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मूविंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 134, पेशेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्लबिंग, हेमाप्टेसिस विद क्रोनिक स्पूटम और ऑस्कल्टेटिव व्हीजिंग एंड क्रैकलिंग साउंड आर कैन बी हियर्ड। इसमें आपने बस दो चीजें याद रखनी है, क्रॉनिक कफ विद हिमोप्टेसिस, क्रॉनिक कफ विद हिमोप्टेसिस प्लस क्लबिंग, क्रॉनिक कफ विद हिमोप्टेसिस प्लस क्लबिंग प्लस हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट इंफेक्शंस। ये तीन चीजें जिधर मिल गई, आपका जो डायग्नोसिस क्या बनेगा, वो बनेगा ब्रोंकियोप्टेसिस, जिंदगी आसान, ब्रोंकियोप्टेसिस। कौन कौन से दो चीजें आपने देखनी है?
क्रॉनिक कफ विद हिमोप्टिसिस प्लस क्लबिंग प्लस हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन। तो देखें इस पेशेंट के अंदर क्लबिंग भी है और हिमोप्टिसिस विद क्रॉनिक स्पूटम प्रोडक्शन, क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ विद हिमोप्टिसिस प्लस क्लबिंग, क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ विद हिमोप्टिसिस प्लस क्लबिंग, जो डायग्नोसिस विल बी ब्रोंकियेक्टेसिस। ठीक है, क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ विद क्लबिंग, योर डायग्नोसिस शुड बी क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ विद हिमोप्टिसिस प्लस क्लबिंग प्लस रिकरेंट चेस्ट इंफेक्शंस, योर डायग्नोसिस विल बी ब्रोंकियेक्टेसिस। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 135, डीवीटी का पेशेंट है, चेस्ट पेन, डिजनिया हो, चेस्ट टाइटनेस, तो क्या होगा डीवीटी से, क्या होता है आगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, बहुत बता चुके हूँ, अब इसमें दोबारा नहीं जाएंगे। ठीक है, हाँ एक नया क्वेश्चन आया है, इसमें आप ये देखें कि कोई भी अगर आपको रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन हो, ठीक है, तो आपको सेलुलाइटिस हो सकता है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है, ये चीज आप देख लें एक दफा, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन से आपको ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है। वो कैसे पकड़ेंगे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पेशेंट को, ये पेशेंट का मैं सिर्फ मुंह बनाऊंगा, ठीक है, ये हमारे पास कहते हैं कि आई है पेशेंट की, ठीक है, पेशेंट की आई क्या हुई, वो स्वेल हुई हो, ठीक है, पेशेंट की विजन ब्लर हुई हो, और पेशेंट को ऑफ्थेल्मो प्लीजिया हो और आई पेन हो, तो आपका जो डायग्नोसिस है पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग प्लस ब्लरिंग ऑफ द वीएन प्लस ऑफ्थेल्मोप्लेजिया प्लस आई पेन, योर डायग्नोसिस विल बी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। रिपीटिंग, दे वन दे इज बायलैटरल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, दे इज ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, बायलैटरल सॉरी कर दी मैंने, ये आप उसको ठीक कर लें, ये आप लिख लें लाइन, ये लाइन इसे मिसिंग है क्वेश्चन में, जो मैंने ब्लैक से लिखी हुई है इसको लिख लें, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया प्लस ऑफ्थेल्मोप्लेजिया स्वेलिंग लिख लें। इफ योर पेशेंट हैज ऑफ्थेल्मोप्लेजिया प्लस आई पेन प्लस पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग प्लस ब्लरिंग ऑफ द विजन, सो योर पेशेंट विल बी सफरिंग को ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ये लाइन मिसिंग थी मैंने लिख दी, आप इसको लिख लें। ठीक है, सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से क्या हो सकता है आपको, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ये हमें याद रखनी है, ये सर रट्टा है। अपर सेलुलाइटिस कैसे पकड़ेंगे, आप ये देखें अगर पेशेंट को पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग हो, ब्लरिंग ऑफ द विजन हो, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया हो और आई पेन हो, तो आपका डायग्नोसिस क्या बनेगा, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। ठीक है, ना मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 137, उसको काट दें, ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 138, ठीक है, ये आप लिख लें लाइन, ये लाइन इसमें मिसिंग है, जो मैंने लाइन हाईलाइट की है ये आप लिख लें, ये लाइन इसमें मिसिंग है, ये लाइन लिख लें आप, ठीक है, जो मैं हाईलाइट की लाइन, ठीक है, सो आप देखें बस इस, अगर आपके पेशेंट को हिमोप्टेसिस प्लस हिमाचूरिया, हिमोप्टेसिस प्लस हिमाचूरिया इकट्ठे स्टार्ट हो जाए, स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली इकट्ठे स्टार्ट हो जाए आपको हिमोप्टेसिस प्लस हिमाचूरिया, तो आपका हमेशा सोचना है वुड पास्टर सिंड्रोम के हवाले से, इट मे और मे नॉट बी प्रिसीडेड बाय वायरल इंफेक्शन, इससे पहले वायरल इन्फेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन जो आप में चीज गौर करनी है वो ये गौर करनी है कि पेशेंट को हिमोप्टेसिस प्लस हिमाचूरिया होगा, प्लस एक और चीज आप इसमें लिख लें वो आपके हमेशा काम आएगी, वो आएंगी आरबीसी कॉस्ट, इस पेशेंट में आरबीसी कॉस्ट मिलेंगे आपको यूरिन में, यूरिन आरबीसी कॉस्ट। ठीक है, मैं क्वेश्चन को रिपीट करने लगा हूँ, ये देखें यूरिन
आरबीसी कॉस्ट प्लस हिमाचुरिया प्लस हिमोप्टिसिस गो फॉर गुड पास्टर। हिमोप्टिसिस हिमाचुरिया एंड जूनियर आरबीसी कॉस्ट गो फॉर गुड पास्टर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 139। ठीक है, अ पेशेंट विद एन आरटीए, ठीक है, विद डिफिकल्टी ब्रीथिंग, स्टेपिंग चेस्ट पेन, हाइपरथर्मिक परकशन, ट्राइकल डेविएशन, ऑपोजिट साइड पर, तो क्या हुआ हमारे पास न्यूमोथोरेक्स। कैसे हुआ मैं वहां पर बता चुका हूँ। न्यूमोथोरेक्स में क्या चीज नहीं होती, मैं उस दिन बोर्ड पर थक गया था कि स्टोनी डेल परकशन किसमें होती है, प्लीरल इफ्यूजन में। ठीक है, तो इसका फीचर इसमें स्टोनी डेल परकशन नहीं होगा, नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल सा था, ये बहुत हम एक्सप्लेन कर चुका है, इसमें ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 140। क्या देखें, प्रोडक्टिव कफ विद लार्ज अमाउंट ऑफ स्पूटम एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, ब्रोंकियल डायलेशन, ठीक है, इसमें एक चीज ऐड कर लें, टू स्पूटम विद ब्लड, ये अब ऐड कर लें अंदर क्वेश्चन में, ये मिसिंग है, अमाउंट ऑफ स्पूटम विद ब्लड। ठीक है, सो मैंने क्या बताया था आपको, रिकरेंट चेस्ट इंफेक्शन प्लस रिकंजेशन हेमोप्टिसिस विद क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ कफ प्लस क्लबिंग, तो क्या बनना था आपका, ब्रोंकियेक्टेसिस। ठीक है, इसमें एक नई चीज आई है, वो याद रख लें आप, कि जब भी आप सीटी कराएंगे ना, इसके अंदर सिटी, इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वैसे जो है ना, ब्रोंकियल पेसिस की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस उसकी जो है ना, वो एचआरसीटी है, एचआरसीटी हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, सीटी स्कैन की टाइप एचआरसीटी। एचआरसीटी पे आपको जो है ना, ब्रोंकियल डायलेशन नजर आएगी। क्या आएगी आपको नजर, ब्रोंकियल डायलेशन ठीक है। आपने पहले देखना है कि इसके अंदर रिकरेंट इन्फेक्शन स्मोकिंग की वजह से होती है, हेमोप्टिसिस हो गई प्लस क्लबिंग हो, ठीक है, ब्रोंकाइटिस के आपने दाना का ब्रोंकाइटिस हो सकता है। कैसे हम प्रूव करना है, इसकी इन्वेस्टिगेशन और चॉइस ऑफ एचआरसीटी है, एचआरसीटी पे आपको ब्रोंकियल डायलेशन मिलेगी। अगर आपके सारे फीचर्स पूरे हैं तो आप चुप करके जो है ना, वो ब्रोंकाइटिस पे लगा देना है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 141। ठीक है, फर्स्ट इसमें आप देखें कि 2040 अपना 28 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटिंग विद हिस्ट्री ऑफ फीवर हेडेक चिल फॉर फ्रॉम 10 डेज। ठीक है, सो चेस्ट एग्जामिनेशन पर प्रकाशन शोज जल लार्ज बबल एंड रेडनेस ड्यू टू दिस कॉज कैन एक्सरे शोड ए फ्लूइड लेवल्स। ठीक है, जब भी आपको फीवर और निमोनिया के सिम्टम्स, निमोनिया सिम्टम्स और एक्सरे के ऊपर एक्सरे शो एयर फ्लो लेवल्स, ये लाइन में टाके ठीक कर लें, गलत आप लिख लें, एयर फ्लो लेवल्स लिख लें, वो लाइन गलत है तो ठीक कर लें, एक्सरे शो एयर फ्लूड लेवल्स, तो आपका जो डायग्नोसिस बनता है वो बनता है हमारे पास लंग अब्सेस। ठीक है, इसकी जो लाइन है ना एक्सरे शोट से आगे, इसको मिटा दें और इसकी जगह आप लिख लें एयर फ्लूड लेवल्स, ये क्वेश्चन अगर थोड़ी सी गलती इसको ठीक करें क्वेश्चन। सो आई रिपीट, फीवर निमोनिया सिम्टम्स एंड व्हेन एक्सरे शो एयर फ्लूड लेवल्स, योर आंसर शुड बी लंग अब्सेस। ठीक है, सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 142।
ठीक है, इसमें अब थोड़ी सी एक कह दें कि एक हमारे पास कह दें कि एक थोड़ा कंसेप्ट है, वो ये कि जब पेशेंट को पेन होती है, पेशेंट को पेन होती है, पेन पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो, पेशेंट जो है वो इज अनएबल टू ब्रीथ डीपली, ठीक है। अब ये देखें, आपको जब भी पेट की दर्द होगी, जैसे भी हो, आप उस गहरा सांस नहीं ले सकते क्योंकि आपको दर्द की वजह से आपका सांस जो है वो ब्रीद ड्यू टू पेशेंट होल्ड हिज ब्रेथ, पेशेंट अपना सांस रोक लेता है दर्द की वजह से, तो पेशेंट जो है वो डीप ब्रीथ नहीं करेगा, तो उसके लिए पेशेंट रैपिड शैलो ब्रीदिंग करेगा अपने आप का सांस पूरा करने के लिए, ठीक है। तो जब आपकी ब्रीदिंग पूरी नहीं होगी, जैसे ये हमारे पास लंग है, एक मैं कहूँ इसके ये मैंने बनाए हैं एल्वोलाई, ठीक है, क्या बनाए मैंने एल्वोलाई, ठीक है, ठीक है। आप जब गहरा सांस लेते हैं जब, तो ये सारे एल्वोलाई जो हैं सारे एक्सपेंड करते हैं, सारे एल्वोलाई, जैसे मैं कहूँ मैं एक साइड पे करके बनाता हूँ इसको, ये हमारे पास जो है ना वो ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है, ठीक है। जब गहरा सांस लेंगे सारे जो है ना अल्वोलाई एक्सपेंड करेंगे, ठीक, गहरे सांस में, व्हेन यू ब्रीथ डीपली, ठीक है, तो सारे अल्वोलाई जो है लंग्स यूनिफॉर्मली ऊपर को साइड को नीचे को एक्सपेंड करेगा, सारा लंग एक्सपेंड करेगा जब आप नॉर्मली जो है वो ब्रीथ करेंगे। लेकिन जब आप डीप ब्रीथ नहीं करेंगे, जब आपकी डीप ब्रीदिंग नहीं होगी, किसकी वजह से, पेन की वजह से, जब आप डीप ब्रीदिंग नहीं होगी, तो जो लंग्स के ये जो मैंने एल्वोलाई बनाए थे यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले एल्वोलाई एक्सपेंड करेंगे डीप ब्रीथ, नीचे वाले एल्वोलाई एक्सपेंड नहीं करेंगे। जब वो एक्सपेंड नहीं करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएंगे, मतलब सुकड़ जाएंगे वो, जब वो सुकड़ जाएंगे उस कंडीशन को कहते हैं एटिलेक्टिसिस, ठीक है। आई रिपीट इट अगेन, मतलब ये कि जब पेशेंट को पेन की वजह से पेशेंट रैपिड शेल ब्रीदिंग करेगा, जब ब्रीदिंग करेगा तो ऊपर वाले एल्वोलाई तो एक्सपेंड कर जाएंगे, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिनको मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूँ, वो एक्सपेंड नहीं करेंगे। जब वो एक्सपेंड नहीं करेंगे तो वो सुकड़ के रह जाएंगे, उस सुकड़ने को हम कहते हैं एटिलेक्टेसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास को ऑप्शन बनेगा बी, क्वेश्चन 143 गलत है, इसको छोड़ दें, कम क्वेश्चन 144 पाए आप, ठीक है। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 144। सो स्टैब वुंड के साथ क्वेश्चन आया है, लेफ्ट साइड चेस्ट के साथ एग्जामिनेशन एक्सपायरी देख, इसकी बीपी अनस्टेबल है, तो एसेंट प्रकाशन नोट है, ए एंट्री ऑन द लेफ्ट फ्रैक्चर साइड, तो क्या आंसर बना हमारे पास, न्यूमोथोरेक्स, रिपीटिंग क्वेश्चन, हम इस पर टाइम जाया नहीं करेंगे, ठीक है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक्सरे पे कैसे नजर आएगा, इसका मैं आप बताता हूँ आपको, आप इतना याद रख लें कि जो हमारे पास प्राइमरी इन्फेक्शन जो है लंग्स में वो होती है बेसिस में, प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है, और जो ये प्राइमरी इन्फेक्शन, लेकिन जो रीएक्टिवेशन है वो होती है एपेक्स के अंदर, ठीक है। सो जब भी आपके पास टीबी का केस आएगा और टीबी का आप एक्सरे निकलवाएंगे, तो उसकी हमेशा आपको एपेक्स अफेक्ट होती नजर आएंगी, टीबी के एक्सरे में आपको एपेक्स अफेक्ट होती नजर आएंगी, हमेशा आपको टीबी के केस में आपको एपेक्स अफेक्ट होती नजर आएंगी, ठीक है। तो जब आप एक्सरे निकलवाएंगे पेशेंट का, आप जब पेशेंट का एक एक्सरे निकलवाएंगे, ये पेशेंट का मैंने एक्सरे निकलवाया, तो आपको यहां पर एपिकल हेजीनेस नजर आएगी, एपिकल हेजीनेस, तो आपका जो डायग्नोसिस बनता है वो बनता है एपिकल हेजीनेस, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 146, ठीक है।
सो वन कस्टमर 146 के ऊपर, आप एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस टीबी कैविटेशंस प्लस हिमोप्टेसिस प्लस कफ प्लस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्लस क्रीसेंट साइन हो, तो आपका जो डायग्नोसिस बनता है वो बनता है एस्परजिलोसिस। ठीक है, एस्परजिलोसिस का डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको हमेशा चाहिए कि पेशेंट को प्रीवियस टीबी कैविटेशन हो। टीबी हील हो गया है, पेशेंट को पहले प्रीवियस टीबी कैविटेशन है, अब इसको कफ हिमोप्टेसिस और क्रीसेंट साइन आया है, तो आपका जो डायग्नोसिस बनना गएगा वो बनेगा एस्परजिलोसिस। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चेस्ट पेन हिमोप्टेसिस है, उसके बाद पेशेंट को क्रीसेंट साइन है और बॉल अराउंड अ लंग कैविटी इज पॉजिटिव सीटी चेस्ट, डायग्नोसिस क्या होगा हमारे पास, एस्परजिलोसिस। ठीक है, क्या बनेगा एस्परजिलोसिस, आई रिपीटिंग, प्रीवियस टीबी कैविटेशन प्लस कफ प्लस हिमोप्टेसिस प्लस क्रीसेंट साइन, योर डायग्नोसिस विल बी एस्परजिलोसिस। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 147। ठीक है, एक चीज इसमें नहीं आई है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आई है हमारे पास इंटरस्टिशियल निमोनिया। ठीक है, जब भी इंटरस्टिशियल निमोनिया आपके पास आ जाए, इंटरस्टिशियल निमोनिया आपके पास आए, उसके डायग्नोसिस के लिए आपने हमेशा ब्रोंको एल्वियोलर एल्वियोलर लवाज करना है। ब्रोंको एल्वियोलर लवाज आपने हमेशा करना है, जब भी इंटरस्टिशियल निमोनिया केस आपके पास आए, आपने ब्रोंको एल्वियोलर लवाज करना है। इंटरस्टिशियल निमोनिया बगैर चेस्ट एक्सरे के पता नहीं लगता, तो आप इस चीज टेंशन ना लें कि आप एक्सरे कैसे पता लगेगा। आपने बस इसको दिया होगा कि उस पेशेंट को लो ग्रेड फीवर है, कफ विद स्पूटम है, हमें चेस्ट एक्सरे का इंटरस्टिशियल निमोनिया नजर आया, तो आप क्या करेंगे, आप इस टेंशन ना लें, चेस्ट एक्सरे के बगैर इंटरस्टिशियल निमोनिया का पता नहीं लगता। तो इंटरस्टिशियल निमोनिया का जो केस, उसमें आप ब्रोंको एल्वियोलर लवाज करेंगे। ठीक है, हाँ, नॉर्मल 0 to 40 मिलीग्राम मरकरी होती है। एक चीज आप याद रखने हमेशा कि जो सैलिसाइलेट पॉइजनिंग है, सैलिसाइलेट पॉइजनिंग, इसकी जो आप मिसाल है वो है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है वो सैलिसाइलेट है। एस्पिरिन क्या है, सैलिसाइलेट। एस्पिरिन क्या है, एक सैलिसाइलेट। ठीक है, एस्पिरिन जो सैलिसाइलेट पॉइजनिंग है वो सिर्फ दो काम करने हैं। वो एस्पिरिन जो है वो मेडुलरी जो है आपका, ये आपकी जो है वो सेरिब्रम है, ठीक है, ये आपकी ब्रेन स्टेम है, ठीक है, ये मिड ब्रेन है, ठीक है, ये सेरिब्रम है, ठीक है, ये आपका पोन्स है, ये आपका मेडला है, ठीक है, इसमें आपका रेस्पिरेटरी सेंटर पड़ा हुआ है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर पड़ा हुआ है। जो हमारे पास जो एस्पिरिन जो है ना, एस्पिरिन वो इसको आकर स्टिमुलेट करती है। क्या करती है, इसको आकर स्टिमुलेट करेगी मेडुलर रेस्पिरेटरी सेंटर को। जब इसको स्टिमुलेट करेगी तो बॉडी क्या करेगी, हाइपर वेंटिलेट, मतलब कि वेंटिलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। वेंटिलेशन क्या बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब वेंटिलेशन इंक्रीज होगी तो जो बॉडी जो है वो CO2 बाहर निकालेगी। जब CO2 बाहर निकालेगी तो बॉडी में CO2 कम होगी, CO2 कम होगी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। एस्पिरिन जो है हमारे पास मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगी। जब मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगी तो वेंटिलेशन ज्यादा होगी। जब वेंटिलेशन ज्यादा होगी तो CO2 बाहर ज्यादा होगी। तो CO2 बाहर ज्यादा होगी तो जो ब्लड में जो CO2 है वो कम हो जाएगी। जब ब्लड में CO2 कम होगी तो आपको क्या होगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। इसका आंसर बना हमारे पास सैलिसाइलेट। ठीक है, क्वेश्चन 149 गलत है, इसको काट दें। क्वेश्चन 150 भी गलत है, इसको भी काट दें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 151।
ठीक है, अ पेशेंट 34 ईयर पेशेंट विद कंप्लेंट्स ऑफ एस्थमा आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर रूरल एरियाज, के बाद वो एस्थमा हुआ है, तो एस्थमा का ट्रीटमेंट क्या है इसमें? एंटी एलर्जिक मॉन्टिलुकार स्टीरॉयड्स, इसका ऑप्शन डी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने पहले एस्थमा का ट्रीटमेंट आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। क्वेश्चन 152, अ पेशेंट प्रेजेंट्स इन द आउट पेशेंट क्लिनिक विद कंप्लेंट्स ऑफ परसिस्टेंट राइका, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ऑन और ऑफ फीवर, बायलैटरल लिम्फोडिनोपैथी एंड ल्यूकोपेनिया, ये पहले भी कॉज हो चुका है, इसका सार्कोइडोसिस है, इस बात हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इस पर हम कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 153 है, दैट इज रॉन्ग, सो कट इट। क्वेश्चन नंबर 154, ठीक है, इस पर सारा जो आपको पहले पता है, मैं आपको मेन पर हाईलाइट करूंगा, आपको पता लग जाएगा। कफ प्रोड्यूसिंग स्मॉल येलो स्पूटम प्रोडक्टिव कफ लास्ट मंथ, ठीक है, ओकेजनल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और प्रियोटनेस नाइट स्वेट्स, ठीक है, हिमोप्टेसिस पेशेंट को आई है, ठीक हो गया। चेस्ट एक्सरे शो बायलैटरल अपर लोब इन्फिल्ट्री विद वेल डिफाइंड कैविटी ऑन द लेफ्ट एपेक्स, व्हाट डू यू थिंक? टीबी, हम इसको बार बार डिस्कस कर चुके हैं टीबी को, तो मेरा नहीं ख्याल इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक आखिरी कंसेप्ट आज का, ठीक है, जो आपको आना चाहिए है, वो पता क्या है? वो ये है कि जब भी कंस्ट्रक्शन साइट हो या पेंट फैक्ट्री हो, ठीक है, उसमें आपको जो एक्सपोजर बन मिलता है एस्बेस्टोसिस का, गैस का एक्सपोजर मिलता है एस्बेस्टोसिस का, कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है, पेंट फैक्ट्री, इंस्टॉलेशंस वाली जगहों पर, आपने देखने की सारी जगह को पहले पता पढ़ाई होगी लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। एस्बेस्टोसिस का, एस्बेस्टोसिस जो है वो दो चीजों का रिस्क इंक्रीज करती है, एक करती है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, एक स्क्विम एक मिस मेलिग्नेंट मेसोथेलियोमा, मेसोथेलियोमा, ठीक है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन साइट, पेन फैक्टर साइट, इंसुलेशन से आपको एस्बेस्टोस का रिस्क बढ़ा है, एस्बेस्टोस का रिस्क बढ़ने से आपको ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का रिस्क और मेलिग्नेंट मेसोथेलियोमा का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा तो सबको पता लगता है कैसे प्रेजेंट करता है, मेलिग्नेंट मेसोथेलियोमा की सिर्फ एक ही फाइंडिंग है, जो आपने जो है ना वो आपको पता लगेगी, वो एक ही फाइंडिंग है, वो एक ही फाइंडिंग है, वो पता क्या फाइंडिंग है? वो ये फाइंडिंग है, थिकनिंग ऑफ द प्यूरा, बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट्स बट थिकनिंग ऑफ द प्यूरा। जब भी आपको ऐसा केस है जिसमें एस्बेस्टोसिस का एक्सपोजर हो और उसमें वो कहते हैं कि प्लूरा उसकी थिकन हो गई है, प्लूरा क्या हो गई है? थिकन हो गई है, तो आपका जो डायग्नोसिस है वो बनना है मेलिग्नेंट मेसोथेलियोमा रिपीटिंग, जब भी आपके पास एस्बेस्टोसिस का एक्सपोजर हो, उसके बाद उसकी प्लूरा की थिकनिंग हो गई हो, तो आपका जो डायग्नोसिस है वो बनने का मेसोथेलियोमा, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, ठीक है, इसमें सिर्फ यही है कि जब भी आपको एक्सरसाइज से पहले एस्थमा डेवलप हो, तो फर्स्ट लाइन ड्रग आपका जो बनेगा है वो बनेगा सालमिटी रोल, ये गलत है मोंटिल्यूकास, इसको आप ठीक कर लें, और इसमें जो बीटा ब्लॉकर्स को मिटाकर जो है ना बीटा एग्निस्ट करें, इस क्वेश्चन में गलती है 157 में, आप बीटा ब्लॉकर्स को मिटाकर इसमें बीटा एग्निस्ट करें, इसमें गलती है। अब 157 में जब भी आपको एक्सरसाइज से पहले एस्थमा हो, आपने सालमिटी रोल लेना है, सालमिटी रोल कितने मिनट पहले? 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आपने एक्सरसाइज एंड एस्थमा में सालमिटी रोल लेना है। आज का हमारा जो है वो आखिरी क्वेश्चन 158, क्वेश्चन नंबर 158, ठीक है, इसमें अब ये देखें, अ पेशेंट 20 ईयर ओल्ड मेल विद हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग फॉर 3 ईयर्स, कफिंग, इंटरमिटेंट एपिसोड ऑफ वीजिंग, टैकिपनी एंड डिजनिया, व्हाट शुड बी एडवाइस फॉर हिम? मैंने आपको पहले ही बताया कि कफिंग हो, बीजिंग हो, ड्राई कफिंग हो, तो आपका जो डायग्नोसिस बनना चाहिए वो आप जाना चाहिए एस्थमा की तरफ, ठीक है। और एस्थमा के ट्रीटमेंट का जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो हमारे पास है सालमिटी रोल, ठीक है। तो सालमिटी रोल जो है हमारे पास जो है वो आपने जो है ना वो सबसे पहले आपने उसको सालमिटी रोल एडवाइस करना है।
अल्ब्यूटा रोल, इसने एडवाइस करना कि ये शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग नहीं करेंगे हम इसको, हमेशा लॉन्ग एक्टिंग प्रिस्क्राइब करेंगे। क्या करेंगे? लॉन्ग एक्टिंग प्रिस्क्राइब करेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये आपका जो पेशेंट है वो हमारे पास कह दें कि हमारे पास आया है एस्थमा के साथ, कौन से इंटरमिटेंट एपिसोड वीजिंग एंड कफिंग एंड टैकिपिया डिज़निया के साथ, तो हमारे पास पेशेंट बना एस्थमा का। एस्थमा के ट्रीटमेंट में आपको मैंने पहले भी बताया था, दोबारा ले देता हूँ, लाबा लामा इन्हें इंटरकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ट्रीटमेंट करते जानी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो इसमें लापा आएगा, तो लापा जो है वो एक ही है इसमें, वो है साल्बेटिरोल। अल्ब्यूटारोल जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है, इसलिए हम इसको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। इसका आंसर साल्बेटिरोल या फॉर्मोटिरोल। अगर फॉर्मोटिरोल हो हम उस पर जाएंगे, या साल्बेटिरोल हो या फॉर्मोटिरोल हो, तो ये दो ड्रग्स हैं जो अस्थमा में यूज करते हैं, इसको याद रख लें। नंबर वन साल्बेटिरोल, नंबर टू फॉर्मोटिरोल, इसको भी याद रख लें, ठीक है। आगे जो सवाल है वो फॉर रिपीट हैं, वो उनको हम नहीं करेंगे रिपीट। हमारे पास जो तुम्हारे सवाल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा वो अब खत्म हुआ, कल से हम एक नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की समझ आ गई होगी। कल से हम नया सिस्टम रिवाइज स्टार्ट करेंगे, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।